अपना लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मैं टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स करवाई थी, जिसमें मैंने आपको इंक्लाइंड प्लेन, वेजेस और स्क्रू पढ़ाया था। आज हम आगे उसी सिंपल मशीन को ही आगे हम डिस्कस करेंगे और फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे सिंपल मशीन की। ये सिंपल मशीन अभी आगे और कंटिन्यू है। आज के लेक्चर में सिर्फ हम व्हील एंड एक्सल और इसके अलावा पुली डिस्कस करेंगे। तो बुक में इसके एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे तरीके से ये डिस्क्राइब किए गए। तो चले बुक की तरफ देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, जो वर्क आप लोगों को मैंने करवाना है कॉपी पे, वो मैंने भी आपको जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन करना है और देन उसके बाद फिर आप उसका वर्क करेंगे, ठीक है। सिंपल मशीन हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको कुछ टाइप्स प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। आज हम अनदर टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें व्हील एंड एक्सल है और पुली, इन दो को हम डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको इसका वर्क बताऊँगी, ठीक है। अब पहले सिंपल मशीन, अब बता चुकी हूँ मैं कि मशीन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमारे काम को जो है वो ईजी करे, उसे हम कहते हैं कि मशीन है। वो डिफरेंट टाइप्स में आपको पहले बता चुकी हूँ, प्रीवियस लेक्चर देखिएगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो मशीन की टाइप में अनदर व्हील एंड एक्सल। तो सबसे पहले व्हील के बारे में बताऊंगी कि व्हील क्या, देखिए यहाँ पर डायग्राम भी बनी है, आप देख सकते हैं। व्हील क्या होती है कि सर्कुलर फ्रेम होता है जिसमें घूमने की सलाहियत होती है, जो टर्न हो सकता है। और एक्सल जो होता है वो एक रॉड होता है, उसमें बीच में एक होल होता है जो कि व्हील को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है एक व्हील है, ये एक व्हील जहाँ पर मैंने पैन की निप रखी हुई है और ये दूसरी व्हील है। ये व्हील आपने गाड़ियों में देखा होगा, पहियों को कहा जाता है व्हील, और इसके बीच में एक रॉड लगी हुई होती है जो कि इन दोनों पहियों को जो है वो कनेक्ट करता है। डेफिनेटली ये भी जो है किसी मशीन को मूव करने के लिए, गाड़ियाँ जब चल रही होती हैं तो इन व्हील्स की मदद से ही चलती हैं। ये व्हील जो है वो जब आगे की तरफ कोई एफर्ट लग रही होती है, कोई मैकेनिकल एफर्ट होती है इस पर, जिसकी वजह से जो है ये मशीन के जो पहिए होते हैं वो आगे की जाने मूव कर रहे होते हैं। तो ये सिंपल मशीन है जिससे जो है क्योंकि ये फिक्स होती है, कनेक्ट होती है व्हीकल से, डिफरेंट टाइप व्हीकल से, तो ये फिर अपनी हरकत से, मूवमेंट की वजह से व्हीकल्स को जो है वो आगे की जानिब जो है वो पुश करती है या मूव करती है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है व्हील, ये व्हील्स हैं यानी पहिए गाड़ियों के, और बीच में जो रॉड जिन दोनों को जो है वो कनेक्ट करता है। ये भी एक सिंपल मशीन की जो है टाइप है, व्हील एंड एक्सल। नाउ पुली के बारे में बता देती हूँ कि पुली क्या है। आप लोगों ने ये मशीन, यहाँ पर एक सिंपल पुली बनी हुई है, ये भी सिंपल मशीन की ये टाइप है, ये देखा होगा आपने। इसको भी जो है लिफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पुली के बारे में मैं आपको बता रही थी, सिंपल मशीन की टाइप है। इसको जो यूज़ किया जाता है कहाँ कहाँ पर, हैवी लोड्स वगैरह को लिफ्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर डायग्राम बनी हुई, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा कुएं से पानी वगैरह निकालने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया। इसमें एक देखिएगा, ये एक हुक की तरह की स्ट्रक्चर लगा हुआ है और यहाँ पर एक व्हील लगा हुआ है इसके ऊपर मशीन पे। इस व्हील पर ये व्हील जब रोटेट करता है तो इसकी रोटेशन से ये पुली जो है वो अप एंड डाउन मूव करती है, जिसकी वजह से आप कोई भी वेट जो है वो नीचे से ऊपर की जानिब जो है वो उसको लिफ्ट कर सकते हैं, कैरी करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप है सिंपल मशीन की। तो व्हील एंड एक्सल और पुली मैंने आज आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन किया है। इसको अच्छे तरीके से इस लेक्चर को देखिएगा और समझिएगा कि क्या है। अब इससे रिलेटेड वर्क क्या करना है वो देखते हैं। अब वर्क आपको करना है, क्वेश्चन लिखेंगे आप कॉपी पे, डिफाइन व्हील एंड एक्सल एंड पुली। डिफाइन व्हील एंड एक्सल एंड पुली। सबसे पहले आप व्हील एंड एक्सल के हेड डालेंगे, उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे अ व्हील से लेकर सेकंड लाइन पर इन द व्हील, ठीक है। अ व्हील इज अ सर्कुलर से लेकर सेकंड लाइन पर इन द व्हील। उसके बाद पुली पर आ जाएंगे, पुली की आपने हेड डालनी है और इसको लिखना है अ पुली इज अ सिंपल मशीन मेड अप ऑफ व्हील्स, यहाँ तक। उसके बाद थर्ड लाइन पर अ पुली इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन आपको करनी है, ठीक है। ये वर्क आपको कॉपी पे कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।